मुकाबला बनता नहीं था, चलो फिर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला और बिल आखिर फतह जो है वो 75-12 के नाम हुई। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच के लिए एक बंदा आ जाए, इधर आप आ जाइए अभी। पहले दोनों टीमें लाइन अप हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा काइंडली, कोई मसला नहीं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है वो अच्छी होनी चाहिए, अगर रिकॉर्ड ना हो रही हो तो फिर जैसी मर्जी कर लें। हाँ, हमारे आज के मेहमान खुसूसी अमानुल्लाह खान साहब, इससे पता चलता है कि वो क्रिकेट के कितने दीवाने हैं। उन्होंने सिर्फ ऐलान ही नहीं करवाए, जिसका ऐलान किया उसको उसी टाइम उस तक इनाम पहुंचाया। अमानुल्लाह खान साहब के लिए खुसूसी क्लैपिंग, जिस तरह हजार हजार के नोट उन्होंने लुटाए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, अमानुल्लाह खान साहब। दूसरे मेहमान खुसूसी हैं चौधरी जफर गुजर साहब, तीसरे मेहमान खुसूसी हैं काबिल खान साहब। अब उन तीनों मेहमानों का दोनों टीमों से तारफ करवाया जाएगा, हबीबुल्लाह खान साहब तारफ करवाएंगे बारी बारी दोनों टीमों से। हमारे आज के मेहमान खुसूसी अमानुल्लाह खान साहब, चौधरी जफर गुजर साहब और काबिल खान साहब, तीनों मेहमान खुसूसी का तारफ करवाया जा रहा है दोनों टीमों के साथ। फाइनल की विनर टीम 75-12 शाहीन क्लब और लूजर टीम चट्टा फाइटर्स। चट्टा फाइटर्स ने आज की रात में 4 बड़े मुकाबले जीते, ये 5वां बड़ा मुकाबला था जिसमें बिलाखिर उनको शिकस्त हुई। अब दोनों टीमों से तारफ करवाया जा रहा है हमारे आज के मेहमान खुसूसी अमानुल्लाह खान साहब, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट पर हजार हजार के नोट निशावर करने वाले अमानुल्लाह खान साहब, उनके साथ मौजूद चौधरी जफर गुजर साहब, उनके साथ मौजूद काबिल खान साहब। दोनों टीमों से बारी बारी उनका तारफ करवाया जा रहा है। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच इमरान, उस तो बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक होनी उस्मान फजी। ठीक हो गया, अगेन मेहमान प्लेयर नुमाने हो, ठीक हो गई। सबसे पहला इनाम मैन ऑफ द मैच इमरान पांड्या, इस इलाके का नाम रत्ते अटिबत से बिलोंग करने वाले इमरान पांड्या मैन ऑफ द मैच, अमानुल्लाह खान साहब से अपना इनाम वसूल करते हुए। अमानुल्लाह खान क्रिकेट के दीवाने, जबरदस्त बॉलिंग की, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 75-12 का सुपरस्टार प्लेयर उस्मान फौजी, उसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, बड़ा जबरदस्त प्लेयर, 75-12 में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया उस्मान फौजी ने। इसके बाद नुमान नौमी के लिए खुसूसी क्लैपिंग, हबीबुल्ला इधर आ जाए, हबीबुल्ला भाई कमेंटेटर फरहान डगर दगल आवर कप दका पर रवा आईए संग तवा रवा सक या कपरावा। हमारे इलाके की इस तो पहले ना मेहमान मतलब ना मेहमान खुसूसी का खिताब करेंगे। अच्छी, हां जी, रनर अप ट्रॉफी देने से पहले, ठीक हो, रनर अप ट्रॉफी देने से पहले चौधरी अमानुल्लाह खान साहब आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर्स की बड़ी हौसला अफजाई की। 10,000 के नोट तो मैं देख चुका हूं जो उन्होंने प्लेयर्स पर निशावर किए, आज भी उन्होंने बड़े इनामात दिए, वो मैंने काउंट नहीं किए क्योंकि मैं दूर बैठा था। एक दिन मैं यहाँ पे बैठा था तो मैंने खुद काउंट किया था, तकरीबन 10,000 के करीब जो है उन्होंने निशावर किया था। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन अमानुल्लाह खान साहब, क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग करें, जिस तरह उन्होंने नोट लाए उसी तरह की क्लैपिंग होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि आज के हमारे मेहमान राणा बाबर हुसैन MPA मियां चन्नू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लक है। जैसा कि आप सारे दोस्तों को पता है कि मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और आज उन्होंने यहाँ आना था, यहाँ उनकी तशरीफ आवरी थी। 12 बजे उनका मैसेज मेरे तक पहुँचा कि यार PMLN की लाहौर में एक हंगामी मीटिंग है,
मैं उस सिलसिले लाहौर जा रहा हूँ, आप मेरी नुमाइंदगी करें और सारे दोस्तों से माजरत करें कि मैं आज नहीं आ सका। थैंक यू। हाँ जी, मसरूफ सियासतदान होते हैं, अचानक कोई काम पड़ जाता है, तो इसी तरह हमारे आज के एमपी साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने लाजमी आना था क्योंकि पहले हमें बताया गया था कि वो लाजमी आएंगे, तो अचानक किसी मजबूरी की वजह से उनको जाना पड़ गया। आप देख ही सकते हैं कि मानुल्लाह खान साहब को कैसे जवाब दे सकते हैं वो। इसके बाद मैं दावा देने लगा हूँ हमारे इलाके की सबसे मजबूत टीम के कप्तान, जो इस सीजन में बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं और आज वो रनर अप रहे, लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जरूर जीत लिए। एक ही रात में 5 मैच जीतकर छठा मैच लूज किया। अब लूजर ट्रॉफी के लिए कप्तान उसामा तारिक, जोरदार क्लैपिंग करें, जोरदार क्लैपिंग होगी तो पास करेंगे, जोरदार और जोर से। उसामा तारिक 543 ईबी छठा फाइटर के कप्तान, उसामा तारिक सुपरस्टार ऑलराउंडर, इमरान पांड्या जैसे बॉलर को भी छक्का लगाया आज उसामा तारिक ने। उस्मान तारिक आपके सामने, शाहिद भाई खास तौर पर उस्मान फौजी और अब्दुल्ला जेपी, क्योंकि इन दो बंदों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, इनके लिए मेरी तरफ से खुशी क्लैपिंग कर दें। उस्मान फौजी और अब्दुल्ला जेपी, इनकी दावत पर मैं यहाँ आया था और इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की और नकद इनाम वसूल कर लें। उस्मान भाई और सबका शुक्रिया जी।